बनारसी हूँ, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि बनारस में चल क्या रहा है। अब बनारस की इस पार है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप अलग हो गए। ये देखिए, ये पूरा बेड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये लोग क्यों भागी जा रही हैं? तो अच्छा, आप लोग यहीं, सब लोग लोकल, आप लोग यहीं के? अच्छा, तो जैसे कि आप तो जब कोटेसर किए हैं, बगल में आपके इतना अच्छा टेंट सिटी बन रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसा आपको लग रहा है? टेंट सिटी बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? और ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ताकि क्या होता है कि बाढ़ आना हर बार, हर साल बाढ़ आता है यहाँ बनारस में, तो ये सब पूरा डूब जाता है, उसको आराम से खोल के ले जा सके बाढ़ का समय, उसके एक महीना पहले यहाँ पे खोल खाल के उसको। तो देखिए, आपको हम अंदर से नज़ारा दिखा रहे हैं, ये काम चल रहा है बहुत ही, मतलब क्या है कि अंदर सबको देखिए अलाउ नहीं। राम राम भाई, क्या हाल है सभी के? बनारसी अगस्त के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग खड़े हैं गंगा ओ पार, रेती का मजा ले रहे हैं। अब हम बोलेंगे रेती का मजा ले रहे हैं तो आप मानेंगे? तो वीडियो का थंबनेल आप टाइटल पढ़ ही लिए होंगे कि हम टेंट सिटी में खड़े हैं, बनारस में ऊपर टेंट सिटी बन रहा है और बनारस 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 हो रहा है। बनारस में जो रस था वो रस अभी भी है, उस रस को थोड़ा उसमें नींबू नमक मिर्च सब मिला दिया जा रहा है और वो तगड़ा रस बनता चला जा रहा है। इस तरीके का रस बनाया जा रहा है कि मान लो किसी का फेवरेट एप्पल जूस है या कोई और जूस है तो हर सबका, सबके पसंदीदा की चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी, हर तरफ का जूस मिल जाएगा। तो उसी को देखते हुए एक नया जूस यहाँ, मतलब जैसे कि टेंट सिटी यहाँ पे बन रहा है और बहुत ही भयानक तरीके से यहाँ इसको रूप दिया जा रहा है। हालांकि ये नए साल पे शुरुआत हो जाना था जिसके किसी कारण वर्ष ये थोड़ा लेट हो गया। अब हम लोग इस पार आए हैं तो चल के पूरा जानेंगे कि क्यों लेट हुआ और यहाँ पे टेंट सिटी में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या रेट है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ हमारे मित्र बनकटी जी के, अब इनका नाम भी वही है जिनका जो नाम मेरा है, तो आप बोल सकते हैं 2 आकाश in 1 frame, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे आपको पूरा डिटेल देंगे और पूरा टेंट सिटी घुमाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना है कि चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एकदम नहीं करना है, एकदम भूल जाना कि सब्सक्राइब नाम का कोई बटन भी होता है, बस देखना है ताबड़तोड़ शेयर करना है और पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। मिलते हैं वीडियो। तो ये देखिए, हम लोग भी गंगा किनारे गंगा के इस पार हैं और जैसा कि पूरा टेंट सिटी का काम चल रहा है, ये देखिए पूरा काम यहाँ पूरा चल रहा है पूरा काम। और ये काम मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो अभी ये महीनों लग जाएंगे, न्यू ईयर तक ये मुश्किल है कि चालू हो पाएगा। और इस पर देखिए, चलने के लिए पूरा ये लोहे का चद्दर बिछा दिया गया है, इस पर आराम से आप चल सकते हैं, गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकती हैं आराम से। और ये सब टेंट सिटी बनने में अभी समय है और ये जो देख रहे हैं, ये सब जो बन के तैयार छोटा मोटा जो देख रहा है टेंट है ना, ये उनके लिए जो यहाँ पे डेली वर्कर जो डेली काम कर रहे हैं इसमें, रहने खाने के लिए सोने के लिए उनका व्यवस्था पूरा किया गया है। आगे भी वहाँ काम चल ही रहा है, वहाँ भी चल के देखेंगे। फिलहाल आपको नज़ारा इधर का दिखाते हैं, जिस साइड मैं खड़ा हूँ, हम लोग गंगा इस पार खड़े हैं, मेरे ठीक सामने ये देखिए गौरी केदारेश्वर मंदिर है, समझ लीजिए हम लोग आपका शिवाला सोनारपुरा साइड खड़े हैं, उसके इस पार खड़े हैं। अगर आप उधर से नाव से अगर आ रहे हैं, जैसे नाव बोटिंग करते हुए इस पार जब आएंगे तो आप इधर नहीं आ पाएंगे जहां हम खड़े हैं, हम पूरा घूम के, कारण ये कि इसको पूरा जाली से पैक कर दिया गया है, ये देख सकते हैं पूरा, ठीक है। अब उस साइड चलेंगे, उस साइड का क्या? तो बनारसी हूँ, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि बनारस में चल क्या रहा है। अब बनारस की इस पार है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप अलग हो गए, पहले ये बनारस का ही हिस्सा हुआ करता था और बनारस में भी अभी भी इसकी गिनती होती है। तो अभी आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं, टेंट सिटी का काम चल रहा है बनारस में बहुत ही जोरों शोरों में है। हालांकि ये न्यू ईयर पे स्टार्ट होना था, नए साल पे 2023 पे, वो भी हो नहीं पाएगा, 3-4 दिन में नया साल आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर ही कम्प्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अब देख सकते हैं पूरा टेंट सिटी के लिए कितना भव्य तरीके से यहाँ, मतलब ये हमको लगता है कि पूरा एरिया इधर से लेके वो दशाश्वमेध से लेके 80 घाट तक पूरा कवर किया जा रहा है टेंट सिटी में। और अब देखिए ना, ये पूरा देखिए कम्बोर्ड मोड आके रखाया हुआ है, पूरा लगेगा व्यवस्था। तो कोई लोग कह रहे थे कि ये 10-15 दिन में हट जाएगा, ऐसा नहीं है यार, इसका मैं दावा करता हूँ कि ये कम से कम जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक तो ये नहीं हटेगा, उसके पहले भले ही खोल खाल के ले जाए। अभी ये चलना है और इधर देखिए ना, पूरा काम चल रहा है जोरों शोरों में, पूरा पेंट वेंट किया जा रहा है। ये क्या है, ये चेयर है, देख के लग जा रहा है भैया, व्यवस्था देख रहे हैं। टेंट जब टेंट सिटी में आप अगर 10-20 हज़ार रुपये देंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चेयर का अभी पेंट वेंट किया जा रहा है, इस पर गद्दा उद्दा बिछेगा। ये देखिए टेबल है, बैठ के इसमें आराम से मस्त सुबह सुबह कॉफ़ी पीजिए, गंगा का नज़ारा लीजिए। अले को यार रजा भाई भाई, हाँ। तो ये सब हमारे यहाँ के वर्कर हैं जो लगे हुए हैं। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं जो टेंट जितने बने हुए हैं ना,
ये इस तरह से नहीं रहेगा, ये तो इन लोग के लिए बना हुआ है क्योंकि इन लोग भाई दिन रात यहीं रहेंगे, बाहर से हैं, खाना पीना रहना सोना होना इन लोग का इसी में चलेगा। बन जाएगा तो उसका नज़ारा कुछ और रहेगा, और इसमें आप इस तरह से पब्लिकली घूम नहीं पाएंगे। अभी हम लोग अभी आए तो अभी पब्लिकली नहीं आए, तो हम लोग तो भैया मीडिया से तो हम लोग आए गए अंदर, ऐसे अलाउ नहीं है पब्लिकली। और उस समय जब हो जाएगा तो भाई एकदम वहाँ से आपको आगे लेके चलेंगे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता देना होता है। देखिए टीना लगा हुआ है, टीन से पूरा पैक कर दिया गया, उस समय किसी और चीज़ से पैक कर दिया जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगे थोड़ा। और आप आराम से अगर चाहेंगे तो यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं, लेकिन उस समय तो ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ना पूरा बेड बेड बन के तैयार हो रहा है, मैं अब दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा बेड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जब पूरा बन जाएगा, रेट जब खुल के आएगा तो वो तब सब बता पाएंगे। फिलहाल ये आप वीडियो में बना रहा हूँ एक नॉलेज के लिए कि पता लगे जो लोग बाहर से आने बनारस में रहने के लिए, घूमने के लिए बनारस में क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो भाई साहब ये बहुत तगड़ा ये चीज़ हो रहा है बनारस में, आप सोच भी नहीं सकते कि बनारस, मतलब यार ये चीज़ सोच रहे हो राजस्थान में लोग ज़्यादातर, हम देखे हैं हम तो गए नहीं, हम देखे हैं सीरीज वीरीज में, सीरियल वेल में कि होता था, वैसा बनारस में हो जाएगा, टेंट सिटी, क्या बात है। ये देखिए बेड, और ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ताकि क्या होता है कि बाढ़ आना हर बार तय, हर साल बाढ़ आता है यहाँ बनारस में, तो ये सब पूरा डूब जाता है, उसको आराम से खोल के ले जा सके बाढ़ का समय, उसके एक महीना पहले यहाँ पे खोल खाल के उसको साइड कर सके, फिर उसके बाद अगर सक्सेस रहा तो अगले साल भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अभी बहुत काम बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है, और थोड़ा आगे चल के लेके चलेगा मेरे साथ। ये देखिए आकाश, तो क्या है आज दो आकाश एक साथ आए हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे माहौल में थोड़ा आपको बदलाव दिख रहा है। बदलाव क्या है कि मौसम थोड़ा और ज़्यादा तापमान गिर गया है, ठंड बढ़ गई है। तो देखिए आपको अंदर से नज़ारा दिखा रहा है, ये काम चल रहा है बहुत ही, मतलब क्या है कि अंदर सबको देखिए अलाउ नहीं है, और बहुत ही बात चित करके हम लोग कैसे कैसे करके अंदर आए हैं आपको दिखाने के लिए। हालांकि प्रेस को भी अलाउ नहीं किया गया, ऐसा कि अलाउ क्या नहीं किया गया, उसमें बिजी इतना है ना, अब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं बनारस में, टेंट सिटी लग रहा है देखने के लिए, तो नहीं रोका जाएगा तो फिर भीड़ लग जाएगी। तो हम लोग आपके लिए भैया देखिए सारी डिटेल इस वीडियो में लेके आए हैं। पहले तो देखिए इधर देखिए लगभग लगभग काम हो गया है, जो कि मकर संक्रांति तक इसका उद्घाटन हो जाना है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये देखिए त्रिशूल पहले लगाया गया है, ठीक है। अब इधर देखिए पानी टंकी उनकी पूरा रखाया गया, पानी के टैंक वैंक रखाया गया, पानी का पूरा सुविधा उधर किया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि सारी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी, वो रेट वाइज है, 10,000 का अलग रेट है, 30,000 का अलग रेट है रूम का, जो नाइट वन नाइटर के लिए है, कितने कितने दिन के लिए है, बच्चों के लिए वाटरफॉल का, डीजे नाइट का, ये सब सारी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। ये देखिए टेंट सिटी में हम लोग खड़े हैं अभी, बनारस टेंट सिटी जो है, सिटी घुमाया, और यहाँ पे कुछ लोकल है जैसे कि यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मस्त ठंड का मौसम है और गंगा उस पार तो हर कोई आना चाहता है, कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो स्वागत है मैम आपका, क्या नाम पड़ेगा पहले अपना नाम बता दीजिए। अच्छा अच्छा, और ये लोग क्यों भागी जा रही हैं तो अच्छा आप लोग यहीं, सब लोग लोकल, आप लोग यहीं के। अच्छा तो जैसे कि आप तो जब कोटेसर किए हैं, बगल में आपकी इतना अच्छा टेंट सिटी बन रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसा आपको लग रहा है, टेंट सिटी बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, बनारस के लोगों की क्या राय है थोड़ा बताएंगी। बनना चाहिए था क्योंकि हम बनारस विकास हो और अच्छा हो, क्योंकि मोदी जी अच्छा यहाँ के, ये तो गोद मोदी जी ने गोद लिया है। हाँ सही बात है, इसलिए वही विकास करा रहे हैं, ऐसे पहले कुछ। हाँ और जैसा कि आप लोग भाई कटेसर किए तो यहाँ पहले ऐसा कुछ तो था नहीं कि इस साल इस बार कोई क्यों आया, तो अब तो भाई जैसे कि सैलानी आएंगे बढ़ेगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, तो इसको देखते हुए क्या आप कहेंगी कैसा लगेगा, भीड़ भाड़ जैसे कि होगी तो अच्छा लग रहा है, विदेश टाइप का, यहाँ पे विदेश टाइप का फील हो रहा है ना। सही बात है, और इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके का, हाँ अलग अलग विकास योजना प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीजें फैसिलिटी होंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने दिखाया पूरा टेंट सिटी का पूरा जो भी वर्क चल रहा है, बता रहे हैं भाई साहब ना यहाँ यार कैमरा वैमरा को लेके वीडियो बनाने के लिए कितना पंचायत है यार, क्या बताएं, लेकिन आपका भाई है ना पंचायत से गुजर जाता है, और आप आई आकाश के साथ दो आकाश मिल गए, दो दो आकाश हो गए, तो फिर माहौल ठंडा हो गया था गर्म की जगह। हाँ तो मैं बता रहा हूँ जैसे कि अभी 15 जनवरी या 20 जनवरी तक ये पूरा होना, मकर संक्रांति तक एक डेट दे दिया गया है कि इसको ओपनिंग होना है। हालांकि न्यू ईयर था, कि न्यू ईयर इसलिए डेट था कि जितने भी भाई न्यू ईयर पे बाहर से भी लोग घूमने आते हैं बनारस, अभी इस समय हालांकि फॉरनर्स तो बहुत ज़्यादा बनारस में आए हुए हैं, लेकिन न्यू ईयर होता है ना जैसे क्रिसमस न्यू ईयर पे गोवा में भीड़ होती है, तो बनारस का भी वही हाल है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये किसी कारणवश समय थोड़ा डिले हो गया, मतलब बन नहीं पाया समय पर, तो मकर संक्रांति एक डेट फिक्स कर दिया गया, 3-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनवरी में ही उद्घाटन हो जाना है।
और रेट की बात की जाए तो जैसा कि हाँ लोकल जो थे मतलब यहाँ के जो सुपरवाइजर साहब थे उनसे जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि 10,000 से लेके लगभग 40-45,000 तक यहाँ सबका अलग अलग रेट है। उसमें फैसिलिटी अलग अलग है, किसी में डबल बेड है, किसी में सिंगल बेड है। हाँ, बच्चों के लिए इसमें आपका पूरा सारी चीज़ें का इंतजाम, खेलने कूदने का इंतजाम किया गया है, डीजे नाइट है, प्लस स्विमिंग पूल का भी बंदोबस्त किया जाएगा। जो भी चीज़ें वो सामने आएंगी तो मस्त है। अब लेकिन ये है कि बनारसी तो शायद ही आएंगे, यहाँ घूमने आएंगे, मज़ा लेने आएंगे। पर जैसे गंगा ऊपर देख रहे हैं, नाव पे घूमने आ रहे हैं, रेता ऊपर आ रहे हैं, वैसा मज़ा लेने आ जाएंगे। लेकिन ऐसे रहने के लिए 10,000 रुपये 200 रुपये बेसिक हुए हम लोग न दे। लेकिन आपका दिखाना था, मेरा काम तो दिखा दिया। बस आपको क्या करना है, ताबड़तोड़ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की लालसा नहीं, हमें आप लोग की लालसा है कि आप लोग शेयर करें मेरा वीडियो, लोग देखें और बाहर तक पहुंचे। भाई बनारस ना कहां से कहां जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।